देखो, आज का टॉपिक है पीपीएम। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, मींस कि 1 मिलियन में यानी 10^6 में कितने पार्ट किसी सॉल्यूट के डिजोल्व हैं, दैट्स नोन एज पार्ट्स पर मिलियन। आता है समझ में? अच्छा, तो पीपीएम का मैंने फॉर्मूला लिखा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10^6। हम किसी को भी पार्ट्स पर मिलियन में चेंज करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। दूसरा, इस पे क्वेश्चन मैंने लिखा, 15 ppm क्लोरोफॉर्म इन वाटर, फाइंड मोलैलिटी। हमें मोलैलिटी फाइंड करनी है। अगर 15 ppm है, 15 ppm का मतलब 15 पार्ट सॉल्यूट के हैं, कितने में, 10^6 ग्राम सॉल्यूशन में। तो सॉल्वेंट का मास आएगा सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का माइनस करने पे। देखो, सॉल्यूशन का हुआ 10^6, एक के आगे मैंने 6 जीरो लगाई है, उसमें से 15 माइनस किया, ये आया सॉल्वेंट का मास। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट आप यहाँ देख रहे हैं, तो इसकी जगह आप अप्रॉक्स 10^6 ही ले सकते हैं, इंटू 1000 ये लगाना पड़ता है किलोग्राम में चेंज करने के लिए। अच्छा, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा, अब इस पे हम क्वेश्चंस देखते हैं। ये आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट देखो, मैं पहले क्वेश्चन की तरफ जाता हूँ। ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन, 18 ग्राम ग्लूकोज इज डिजॉल्व इन 500 ग्राम वाटर, फाइंड मोलैलिटी। कर लोगे, 18 ग्राम ग्लूकोज है, मोलैलिटी फाइंड आउट करनी है। ये देखो, मोलैलिटी फाइंड आउट करने के लिए मास 18 ग्राम, मोलर मास 180, 500 ग्राम में है, तो यहाँ 500 ग्राम और 1000 लगा देंगे इसे चेंज करने के लिए। 2/5, 2/10 सॉरी, तो इतनी मोलैलिटी मोल पर किलोग्राम आ जाएगी। आती है बात समझ में? तो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर देखो आप, 0.2 फर्स्ट आंसर होगा इसका। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इन ए सॉल्यूशन इज 1। मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज 1, सही है, बिल्कुल सही है। जितने भी कंपोनेंट होते हैं सबका मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल होता है।